लखनऊ में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी पूरे प्रदेश भर से आए होंगे और बाहर से भी प्रतिनिधि आए हैं। एक अवसर है जब पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम की ओर आकर्षित हो रही है, तो आप सब भी अयोध्या धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। इसके लिए हमारी टीम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और कोई समस्या होगी तो उसके बारे में अवगत करा देंगे। तो वहां की सारी व्यवस्था दर्शन की और प्रभु राम लला के दर्शन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में 500 वर्षों के उपरांत एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के उपरांत, तपस्या और साधना के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सिद्धि प्राप्त हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है। भारत की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा है, भारत के पुराने गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभियान है और इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या का यह कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं, हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन गई है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, कोई कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे? 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। प्रदेश देश के अंदर आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। सदियों से चली आ रही व्यवस्था, एक गरीब का जहां पर आवास है उस आवास का मालिकाना अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता था। घर अगर टूट गया,
दोबारा मकान बनाना चाहते थे तो गांव के दबंग उस आवास को बनने नहीं देते थे। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के अंदर हर उस परिवार को जिसका गांव में जहां आवास है वहां का मालिकाना अधिकार का पट्टा भी उसे प्राप्त हो गया है और यह पूरे देश के अंदर एक अभियान के रूप में हुआ है, पहली बार हुआ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई नहीं सोचता था, एक स्ट्रीट वेंडर ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति, लेकिन आज उसे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होकर के आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग में अग्रसर किया गया है। गरीब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, पूरा खेती बाड़ी गहने सब बिक जाते थे, कोई पूछता नहीं था, सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को, यानी जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ करके, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और संपूर्ण आरोग्यता के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना कर रही है। इन सभी योजनाओं को, चाहे वह जनधन से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का हो, इन सब का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो देश की वह आधी आबादी रही है जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के कई जनपदों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।